बाबूलाल? हाँ तुम ही हो ना बाबूलाल? हाँ मैं ही हूँ बाबूलाल। तुम्हारे लिए एक पैकेट। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं मालूम साहब क्या है। सर छोड़ दो मुझे सर। तुमने कुछ नहीं किया? हाँ साहब। मेरी बंदूक और ये गोली है तुम्हारे पास कैसे? मुझे नहीं मालूम साहब। तू ये वो जो बाबूलाल से खून कराना चाहता था? नहीं साहब, आप क्या कह रहे हैं साहब, मेरा खून से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको सारी बात बता देता हूँ साहब। मैं तो जूता पॉलिश करने वाला हूँ, कलाड़ी रोड पर बैठता हूँ। दो घंटे पहले मैं अपना धंधा खत्म करके उठने ही वाला था कि एक आदमी वहां पर आया और भाई बंद करने का टाइम हो गया। नीचे देखो, ऊपर मत देखो। 1000 रुपए कमाने हैं तुम्हें। 1000 रुपया? काम क्या करना होगा साहब? कुछ खास नहीं। अगर तुम्हें मेरा काम करना है तो मेरे जूते में पॉलिश करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। आज रात 12 बजे लाल चौकी बलार स्ट्रीट जाना। कहां पर? लाल चौकी बलार स्ट्रीट। हाँ, वहां तुम्हें एक आदमी मिलेगा, उसका नाम बाबूलाल है, और ये पैकेट उसे दे देना। नीचे देखो। सब कोई लफड़े वाला काम तो नहीं है ना? कोई लफड़े वाला काम नहीं। 1 मिनट के काम के तुम्हें 1000 रुपए मिलेंगे, और अगर तुमने पैसे लेकर काम नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। साहब पैसा लिया तो काम तो जरूर ही करेगा ना ऐसा? हाँ, ये लो पैसा, और बाबूलाल से कहना मैं उसे कल 10 बजे फोन करूंगा। ठीक है? ठीक है साहब। और देखो, निगाह उठा के मत देखना जब तक मैं चला ना जाऊं। ठीक है? सच कह रहा हूँ, यही हुआ था। ये सब मैंने पैसे के लिए किया था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता साहब। तुमने उसका चेहरा देखा था? नहीं साहब, उसने मुझे सिर उठाने नहीं दिया, मैंने सिर्फ उसकी पीठ देखी है। बहुत ही चालाक है ये आदमी, हमें अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं सर वो हमें कहीं से देख रहा हो और ये जान गया हो कि बाबूलाल ने हमसे मदद ली है? कहीं वो अपना प्लान ना चेंज कर दे, हमें कैसे पता चलेगा कि बाबूलाल से वो किसका खून कराना चाहता है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि वो हमें देख रहा है। सड़क पर एक आदमी नहीं है सर, ना ही बिल्डिंग्स में कोई है। बाबूलाल। जी साहब। उसने कहा कि वो तुम्हें कल सुबह 10 बजे फोन करने वाला है। अभिजीत सर, तुम्हें फिर से पीसीओ पर बैठना पड़ेगा। ओके सर। आज तो उसने जल्दी फोन कर दिया 9:45। उसने तुम्हें इस मोबाइल नंबर पर फोन करने को कहा है, 9833211214। ये वही मोबाइल नंबर है जिससे उसने पहले भी फोन किया था। नंबर से पता नहीं चल रहा है कि आदमी कौन है। तुम ऐसा करो, तुम डायल करो, मैं रिकॉर्डिंग मशीन ऑन करता हूँ। क्या नंबर है? 9833211214। जी हाँ, बाबूलाल बोल रहा हूँ। बाबूलाल, तुम्हें सब कुछ मिल गया ना? बंदूक, गोली और तुम्हारा एडवांस। जी हाँ, सब कुछ मिल गया। लेकिन साहब, आप मुझसे क्यों नहीं मिलते? देखो, इसमें थोड़ा खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। खून आज रात को करना। आज रात को? मगर किसका? मेरा मतलब है किसका करना है और कहाँ करना है साहब? टाइम आने पर सब कुछ पता चल जाएगा तुम्हें। बस तुम सीधे मानेक रोड घर पहुंच जाओ। वहां सीधे हाथ पर एक अंधेरी गली है, वहां पर ठीक रात को 10:30 बजे मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। बंदूक, गोली सब कुछ ले आना, और हाँ, ध्यान रहे, ग्लव्स और मास्क लगा के आना। तुम्हारा रिकॉर्ड पहले ही पुलिस के पास है, इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी से काम करना है।
कहीं पर भी उंगलियों के निशान नहीं छोड़ना, समझ गए? हाँ समझ गया, मानिक रोड खार गली के अंदर। ठीक है पहुंच जाऊंगा। मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, बंदूक गोली सब कुछ ले आना, और हाँ ध्यान रहे ग्लव्स और मास्क लगा के आना। तुम्हारा रिकॉर्ड पहले ही पुलिस के पास है, इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी से काम करना है, कहीं पर भी उंगलियों के निशान नहीं छोड़ना, समझ गए? आदमी बहुत चालाक है, सामने ही नहीं आता। खून का प्लान उसने एकदम परफेक्ट बनाया है। मैं और कुछ नहीं कर सकता साहब, मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं एक सीधी साधी नौकरी चाहता था साहब, पता नहीं ये सब मुझे कहां ले डूबेगा। बाबूलाल तुम्हें हमारी मदद करनी ही पड़ेगी, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? किसी की जान का सवाल है और तुम ही एक हो जो उसे बचा सकते हो, और वैसे भी ये खेल आज खत्म हो जाएगा। देखो ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी नौकरी तुम्हें दिलवा कर ही रहूंगा। सर ये खार का नक्शा है सर, ये है मानिक रोड और ये वो गली है, सुधाकर और फेडरिक्स यहां से नजर रख सकते हैं सर। आदमी बहुत होशियार है, इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाला। सर ये जो पार्क है यहां, हम यहां से इसके ऊपर नजर रख सकते हैं सर। यस व्हाई नॉट, ठीक है। बाबूलाल इस बार हम तुम्हें माइक्रोफोन और ईयरफोन दोनों भी फिट कर देंगे, और हम यहां रहेंगे, और जैसे तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें किसका खून करना है और कहां करना है तुम हमें बता देना, और अगर वो आदमी तुम्हारे सामने से आता है तो भी हमें बता देना। वो हमारे साथ जो चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है, हम उसे आज रात ही खत्म कर देंगे। ये तुम्हारा माइक्रोफोन है, इसे तुम बात कर सकते हो, और इस ईयरफोन से तुम्हें सब साफ साफ सुनाई देगा जो हम बात करेंगे, ठीक है? जी। आप कुछ बोलो। हेलो 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 दया, सब सुनाई दे रहा है? हाँ सर साफ सुनाई दे रहा है। गुड। हेलो हेलो, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ सुनाई दे रही है साहब, सुनाई दे रहा है सर। गुड। हाँ सुधाकर सर, हम सुबह से गली पर नजर रखे हुए, दो चार भिखारी आए थे और कुछ लोग कचरा डालने आए थे, पर ऐसा कोई भी नहीं है जिस पर शक किया जाए, और पिछले डेढ़ घंटे से उस गली में कोई घुसा भी नहीं सर। ठीक है बाबूलाल, टाइम हो गया, डरना नहीं, हम लोग यहीं हैं तुम्हारे आसपास, बिल्कुल डरना नहीं। ये लो, डरना नहीं, और ये पिस्तौल, ठीक है साहब? कुछ नहीं मैं, जाओ जाओ। सुधाकर फ्रेडरिक्स सर, मैं उसके पास पहुंच चुका हूं। इधर कोई भी नहीं है। इधर कोई भी नहीं है। बाबूलाल 10:30 बज रहे हैं, वो आता ही होगा। किसी फोन की आवाज आ रही है। अरे गली में फोन कहां से होगा, मोबाइल फोन है, ढूंढो आसपास वहीं कहीं होगा। मोबाइल फोन, पार्क में कचरे का डिब्बा है। कचरे का डिब्बा देखता हूं। हाँ यहां पर एक कचरे का डिब्बा है, देखो उसमें, देखो मोबाइल फोन, यहां एक मोबाइल फोन है।
बाबूलाल। हाँ बाबूलाल बोल रहा हूँ। इतनी देर क्यों लगाई तुमने? अच्छा तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। ध्यान से सुनो, एड्रेस है 12 पालिका बंगलो। तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से दाएं मुड़ो, सिर्फ एक मिनट का रास्ता है। पाइप के रास्ते ऊपर चढ़ना, पहले माले के बालकनी में जाना, दरवाजा खुला होगा। अंदर घुसते ही बाएं तरफ से तीसरा कमरा, वो वही बैठा होगा, उसे तुम गोली मार दो। एक बात ध्यान रहे, तुम उसे मार कर ही आना, और कमरा ऐसा दिखना चाहिए जैसे अभी अभी चोरी हुई हो। और वही अलमारी में सोने की अंगूठी, सोने के जेवर और पैसे पड़े हैं, वो तुम ले लेना। लेकिन वहाँ कोई नौकर तो नहीं है? पूरा घर खाली है, सिर्फ तुम्हारा शिकार है वहाँ पर, और शायद वो भी आराम से सो रहा होगा, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। पर अपना मुंह ढक कर जाना और ग्लव्स पहनकर, याद है ना? मुझे कहीं भी कोई भी गलती नहीं चाहिए। और मेरा पैसा कब मिलेगा मुझे? तुम काम खत्म करके बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हें वही मिलूंगा। इस बार मैं खुद तुम्हें मिलने आऊंगा। खुद? हाँ, तुम्हारे 75,000 लेकर, उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। और हाँ, ये फोन वहीं लेकर आना, जब हम मिलेंगे तो मैं ले लूंगा। समझ गए ना? एड्रेस फिर से दोहराता हूँ, 12 बालिका बंगलो, ठीक 10 मिनट बाद वहां पहुंचो। ये क्या कर रहा हूं मैं? ये मुझे नहीं करना चाहिए। हेलो बाबूलाल, बाबूलाल कहाँ हो तुम? हेलो, ओ लगता है वायरलेस काम नहीं कर रहा है, शायद कट कर दिया होगा। हेलो, अरे ये क्या क्या हुआ सर? बाबूलाल, बाबूलाल? हाँ सर। अब मुझसे नहीं होगा साहब। अरे बाबूलाल डरो मत, हम लोग है ना यहीं। नहीं देखो बाबूलाल, तुम्हें सिर्फ अंदर घुस के बाहर निकल आना है। जैसे वो आदमी तुम्हें बाहर मिलकर बाकी पैसे देगा, हम उसे पकड़ लेंगे। नहीं साहब, मैं बहुत डर गया हूँ साहब, अब मुझसे नहीं होगा। अब तक बहुत किया, अब मुझसे नहीं होगा साहब, नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए, लीजिए साहब आपका सामान, ये रख लीजिए। बाबूलाल डरो मत, मुझसे नहीं होगा। शट अप, वो आदमी तुम्हारा वहां इंतजार कर रहा है। तुमने हर जगह हाँ कहा है और तुम इस जगह पर मैदान छोड़ के जाना चाहते हो? मुझसे नहीं होगा साहब, मुझसे नहीं होगा। बाबूलाल डर। सर मैं जाऊंगा इसकी जगह। तुम? यस सर, वैसे भी मास्क पहने रहना है, ग्लव्स हाथ में रहेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा कि बाबूलाल की जगह मैं हूं। ठीक है बाबूलाल, तुम यही रहोगे हमारे साथ। और अभिजीत सर, हम उसी एरिया में चक्कर काटते रहेंगे, तुम जैसे ही बाहर उस आदमी को मिलोगे हम उसे पकड़ लेंगे। ओके सर। ठीक है, ठीक है। सुनो, ये अपने कपड़े मुझे दो। वो रहा फ्रेडरिक्स, सही जगह पर खड़ा है, और सुधाकर आगे कॉर्नर पर होगा। दया धीरे धीरे, दया। हाँ सर। लगता है यही वो पालिका बंगला है। हाँ, वो देखो अभिजीत पहुंच गया। दया अभिजीत अंदर गया, जल्दी चलो। हमें यहीं चक्कर लगाते रहना है, जल्दी चलो दया। जब तक कि हमें कोई सिग्नल नहीं मिलता, हमें यहीं चक्कर लगाते रहना है। आप हम यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आदमी कौन है जो आपको मरवाना चाहता है।
बात ध्यान से सुनिए। फ्रेडरिक्स कुछ पता चला? नहीं सर। दया सर, अब तक तो अभिजीत ऊपर कमरे में पहुंच गया होगा। आई होप किसी ने उसे जाते देखा ना हो। बंगले की बत्तियां भी बंद है और वैसे भी अभी तक कोई आया भी नहीं। पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। अब मैं फायर करने जा रहा हूं हवा में। आप ऐसे चीखेगा जैसे गोली आपको लगी हो। आप समझ रहे हैं ना? मरने की एक्टिंग कीजिएगा। मैं इस कमरे का सारा सामान बिखेर रहा हूं ताकि ऐसा लगे कि घर में चोरी हुई है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे 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 ये भी अरे ये सब देखिए। आप चीखिए, मैं फायर करने जा रहा हूं। चीखिए सर, गोली की आवाज आया। ये हमारे लिए सिग्नल है। जरूर ये गोलियां अभिजीत ने हवा में फायर की होगी। हाँ सर। और कातिल उसके बाद नीचे मिलने वाला था। वो क्या सुधाकर भी आ गया? गुड। ये कार कहां से आ गई? पहले तो नहीं थी साहब। ये गाड़ी जानी पहचानी लगती है साहब। ये नंबर MH01741, ये नंबर भी जाना पहचाना है साहब। बस तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम तो बाहर मिलने वाले थे। देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। मेरे 75,000 रुपये मुझे अब दे दो। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। बुड्ढे को मैंने मार दिया है और कमरे में सामान ऐसे बिखेर दिया है जैसे अभी चोरी हुई हो। मेरा काम खत्म हो गया। मेरे पैसे मुझे दे दो। लगता है अभी तक तुम कुछ समझे नहीं। क्या? मैं समझाता हूं। तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और तुम्हारे पास कुछ काम भी नहीं है, इसलिए तुम यहां आए डकैती डालने के लिए और फिर पकड़े जाने के डर से तुमने खून कर दिया। बस उसी वक्त मैं यहां आया और अपने बचाव के लिए मैंने तुम्हें मार डाला। नहीं, एक चोर चोरी करते हुए मारा गया। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? अभी करके दिखाता हूं। लेकिन गोली मत चलाना। क्यों नहीं? प्लीज। चला रहा हूं मैं। गोली मत। चला रहा हूं मैं। नहीं। चला रहा हूं मैं। नहीं, गोली मत। तुम्हारा खेल खत्म हो गया रवि कुमार। रवि कुमार, तुम बाबूलाल नहीं हो? कार है ऐसे आदमी पर जो अपने भाई का खून करवाने चला था, और फिर तुमने इस बाबूलाल को ही क्यों पकड़ा? जब मुझे पता चला कि बाबूलाल एक मुजरिम है और जेल से सजा काट के आया है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसी से अपना काम करवा लूं। मेरे बिजनेस में मेरे भाई का इतना बड़ा हिस्सा है कि मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता था। एक बार वो कांटा निकल जाता तो सब कुछ मेरा हो जाता था। बस मेरे बाबूलाल को नौकरी से निकाल दिया और सब जगह फैला दिया कि बाबूलाल एक सजा काट कर आया हुआ मुजरिम है, इसे काम मत देना। मैंने इसका जीना मुश्किल कर दिया। ये जहां भी काम मांगने जाता था वहां से लोग इसे भगा देते थे। फिर आखिर में मैंने इसे फोन किया और फंसा दिया। मेरा प्लान था ये मेरे भाई को मारेगा और फिर मैं इसे मारूंगा। मगर तुमसे गलती हो गई। बाबूलाल सीधे हमारे पास आया और तब से हम तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। तुमने काफी चालाकियां की मगर हमसे बच नहीं सके। सर, इनके भाई ने बाबूलाल से खुश होकर वापस नौकरी पर रख लिया सर, और इसे प्रमोशन देकर फ्लोर मैनेजर बना दिया और इसे तनख्वाह भी बढ़ा दिया सर। सर, अगर आप सही समय पर वहां नहीं आ जाते ये तो मेरी जान ही ले लेता। थैंक यू सर। इट्स ओके। For more updates, subscribe to our channel.
Click the show links and enjoy watching the videos.